धन्यवाद आप लोग। हाँ प्लीज मिनिस्ट्री ऑफ जी नमस्ते, मेरा नाम संदीप विश्वास है, मैं आपको देखिए ऐसा है कि आप जानते हैं कि जब हमारा और हमारा जो सबरूम में जो लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है उसे त्रिपुरा जो है गेटवे हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट के लिए, और वैसी स्थिति में कनेक्टिविटी त्रिपुरा का और अच्छा होगा। और आज से मैं करीब 23 साल पहले 1998 में त्रिपुरा आया था, बदलाया था, उसमें एक रेलवे लाइन का कार्य प्रारंभ हो रहा था। उस समय माननीय उसमें गृह मंत्री आज नीतीश बाबू थे, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी था, तो मैं आया था। कुमार घाट जो अगरतला का प्रोजेक्ट था वो पूरा हो गया, और मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अगरतला से जो खौरा का प्रोजेक्ट खरीदा वो भी रेल लिंक पर काम चल रहा है, और वो भी पूरा हो जाएगा तो कनेक्टिविटी कलकत्ता से भी हमारी हो जाएगी। और ये जानकर के और प्रसन्नता हुई कि खौरा अगरतला जो रेल लाइन बन रहा है उसमें स्टील का जो सप्लाई हमारे सेल ने किया है, ये सब सारी चीज़ों को देखा है। और इस प्रदेश में जिस प्रकार का काम हो रहा है तो मैं राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये भी मुझे जानकर के बड़ी प्रसन्नता हुई कि कोविड का समय है और ये प्रदेश आपका प्रदेश आज वैक्सीनेशन में 95% कवरेज कर रही है। 95% त्रिपुरा के लोग वैक्सीनेशन से कवर होते हैं, इसलिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं आभार भी प्रकट करता हूँ, इतना अच्छा काम उन्होंने किया है, उनको बधाई देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ त्रिपुरा के लोगों को भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने वैक्सीनेशन को बहुत ही सफल बनाया। और उसके बाद ये भी मुझे पता चला कि इस प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा करीब करीब 2 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाए जा रहे हैं या शहरी क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं, 2 लाख हाउसेस का निर्माण होना है और आगे और भी चीज़ों का निर्माण होगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखिए आपके यहाँ जो PDS का सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है, और जो गरीब लोग हैं उनको PDS से जो आधार मिल रहा है, साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो मुफ्त आधार मिल रहा है वो सब यहाँ पर लोगों को उपलब्ध हो रहा है। तो मुझे इस बात के लिए बहुत ही सुखद अनुभव हुआ कि जो हमारा ये प्रदेश है बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत विकसित हो रहा है। और ये जानकर के और प्रसन्नता हुई, हम तो पहले ही जानते थे यहाँ पर कि रबर का उत्पादन ज़्यादा हम समझते थे केरला में होता है, साउथर्न स्टेट्स में होता है, लेकिन ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि रबर का उत्पादन इस प्रदेश में बहुत अच्छा हो रहा है। आपका जो पाइन वुड है वो तो बहुत ही उसका एक इंटरनेशनल मार्केट में मुझे बताया गया कि सऊदी अरेबिया तक जा रहा है, आपका कटहल है वो इंग्लैंड तक जा रहा है, और हमारे बगल में यूनिवर्सिटी के हमारे CM साहब हैं, आपका जिंजर का बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो सब मिला करके आपके यहाँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम हो रहा है वो बहुत सारा है, उसको जब निकालते हैं तो तरह तरह के हमारे उसमें से डिफरेंट डिफरेंट डेट्स के उसमें हमारा आयरन ओर रहता है। तो नेचुरल है कि जो हमारा एक ग्रेड का वॉश को यूज कर लेते हैं बाकी वो जमा होते हैं, तो ये कारण से हो जाता है। तो वो क्या है, वो हमारा जो है वो मिनरल्स है और उसमें तरह तरह के जितना जो एक ही कंटेंट है जो है आयरन का जो कंटेंट है वो कुछ कम कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत सारा हमारा ऐसा डंप है जहाँ की हमारे पास अच्छे क्वालिटी का है। तो उस पर हमारे पास देखिए कितने ऑप्शन है, हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम उसको अपने सेल के उसमें उपयोग करें, नंबर वन। नंबर टू क्या है कि हमारा जो स्लाइम्स है उसको हम वैल्यू एड करें, उसको हम पेलेट में पेलेटाइजेशन करें, उससे हो सकता है। नंबर तीन क्या होता है कि कई जब हमारे इसमें यूज में नहीं आता है तो उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते। तो हमारे पास ये सब चीजों के हमारे पास सोचना है और उस पर हमारा जो सेल है वो कॉम्पिटेंट है इस चीज को करने के लिए। और आपने पूछा कितना है, तो काफी है, 45 से ज्यादा 70 मिलियन टन के आसपास है। मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का है, उस पर हम लोगों ने अभी मीटिंग ही की है
और उस पर चूंकि हमारा एक वेल्थ है, आज ये देखिए हमारा एक वेल्थ है वो, तो हम लोग उसका कैसे बेहतर उपयोग हो सके, कैसे उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छा से उपयोग कर पाए, उससे हमारी आमदनी हो सके, उस पर हम लोग स्ट्रेटजी बना ली है और सेल उस पर काम। उमा मंडल जी हैं, हमारे सीएम जी एमएसटीसी के श्री अष्ट गुप्ता जी हैं, हमारे विभाग के हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी पुनीत किशन जी हैं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिस प्रकार का सहयोग उन्होंने हम लोग को दिया है, और उनके आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी आदरणीय जितेंद्र कुमार सिन्हा जी भी हम लोग के साथ हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे सेल्स के एमएसटीसी के हमारे अफसर आए थे, और जो हमारा सेल का और एमएसटीसी का हमारा जो कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम होता है, तो पहले सेशन में हम लोगों ने जितने भी हमारे कस्टमर काफ़ी संख्या में आए थे, उन लोगों से हम लोगों ने विचार विमर्श किया, उनकी समस्याओं को सुना और क्या क्या संभव हो सकता है उनके बारे में हम लोगों ने बताया, और उसके बाद अभी आप आपके सामने हैं। तो मेरा तो जानते हैं स्टील मंत्रालय, और यहाँ कोई स्टील का उस प्रकार का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट नहीं है, आप जानते हैं जिन प्रदेशों में आयरन हाउस हैं, हमारा छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, आपका उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, सब जगह हमारे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, और उस तरह के यूनिट्स हैं, लेकिन सेल जो हमारा प्रोडक्शन करता है स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो देश के हर एक कोने में होता है और आपके त्रिपुरा में होता है, और त्रिपुरा में खास करके चूंकि लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम होने के कारण यहाँ जो हमारे स्टील लोग लाते हैं तो उनका कॉस्ट बढ़ जाता है, और आप जानते हैं कि स्टील का उपयोग चाहे वो हाउसिंग का प्रोजेक्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो, सब में इसका यूज होता है बांग्लादेश से, तो इसकी कनेक्टिविटी सीधे हमारे जो है कलकत्ता से हो जाएगी। दूसरा जो चित्तगांव पोर्ट है, चित्तगांव पोर्ट से जो कनेक्टिविटी होगी और उसके चलते जो सबरूम है जो लॉजिस्टिक हब बन गया है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो बनते हैं वहाँ पर जहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, अगर आप देखेंगे हमारे जो बड़े बड़े स्टील प्लांट है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर स्टील की रिक्वायरमेंट आज की तारीख में करीब 1.5 लाख टन की, आगे और बढ़ेगा इस तरह काम चल रहा है, तो यहाँ भी एक मांग रही है। पहले भी यहाँ एक यहाँ पर होता था स्टॉक यार्ड, ये आप जानते हैं कि त्रिपुरा में रेनी सीजन लंबा होता है, क्या वर्किंग सीजन कम होता है, तो वर्किंग सीजन में काम करने के लिए आपके पास पर्याप्त जो है स्टॉक होना चाहिए स्टील की, और इसके लिए ही जो है स्टॉक यार्ड की जरूरत होती है, तो पहले यहाँ स्टॉक यार्ड था, लेकिन चूंकि वो वायरल नहीं हो पाया था तो बंद हो गया था, अब चूंकि ये सबरूम में लॉजिस्टिक सबरूम में एक लॉजिस्टिक हब के रूप में डेवलप होना जा रहा है, और उससे गेटवे पूरा का पूरा हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट का, तो हम लोगों ने एक मांग भी जाई थी और उस पर हम लोग विचार करेंगे कि हम लोग जो है सबरूम में जो है यहाँ के इस इलाके के पूरे स्टील की रिक्वायरमेंट को देखते हुए वहाँ पर एक जो है हमारा स्टॉक यार्ड की स्थापना हो सकती है, उस पर हम लोग स्टडी कर करके सब चीज़ों को देख कर करके तब हम लोग उस पर एक बात करें, अभी कोई इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बनाने की योजना नहीं है। तो खास करके जहां लोगों को रोजगार मिलता है, और ये भी मुझे जानकर बड़ी चिंता है कि यहाँ जो सरकार है उन्होंने 3 वर्ष के कार्यकाल में करीब 24,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिए हैं, करीब 1,20,000 से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार दिए हैं, और इतना बड़ा सब जगह जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, आपकी आपका प्रदेश का बजट करीब 22,000 करोड़ का है, पहले एक नेशनल हाईवे था, 3-3 नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है, तो चारों तरफ मुझे लग रहा है कि भाई इस प्रदेश में काम हो रहा है, हर एक घर में बिजली पहुंच गई है, नल का जल जल जीवन मिशन के तहत पहुंचाया जा रहा है, तो मुझे जैसा लग रहा है ठीक है हमारा ये दूरस्थ जरूर प्रदेश है, लेकिन यहाँ विकास के जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, उसको अगर देखेंगे तो त्रिपुरा बहुत ही आज की तारीख में एक अच्छा प्रदेश है, जहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही सराहनीय कार्य। साथियों आप लोगों को कुछ सवाल होंगे तो मैं जवाब देना चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है
भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय और जितने भी मंत्री हैं, हम सबको देश के विभिन्न कोनों में जाना चाहिए। खास करके जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहाँ के जो प्रदेश हैं, वहाँ जाना चाहिए और उस प्रदेश के विकास में उस मंत्रालय का क्या काम हो रहा है, क्या और भी काम होने की संभावना है, इसके बारे में बातचीत हो। वहाँ की सरकारें हैं उनके साथ बातचीत हो, वहाँ और भी जितने भी लोग हैं उनके साथ बातचीत हो, जिससे कि जो हमारा दूरस्थ प्रदेश भी है वो भी विकसित हो सके।